अहमदाबाद को वेट करना पड़ेगा, चल के ही जाना पड़ेगा। सर्कल का जाल बिना सहारे कुछ पता चला पूर्वज विकसित मानना मजा आएगा। अहमदाबाद में हमारे अलावा कोई नहीं है, चल के जाना है। हाँ एकदम रेडी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फाइनली भाई सर्दियां भी आ चुकी है और आज हम जाने वाले अहमदाबाद। सो अभी देरी ना करते हुए निकलते हैं अहमदाबाद शशिकांत भाई के साथ, वो भी आ रहे हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 बजे निकल रहे हैं अहमदाबाद। देख लो 9 बजे पहुंचना है वहां पे। सो गाइस फाइनली अभी डेपो पे तो पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं बस का। और जब तक बस नहीं आती तब तक तो वेट करना पड़ेगा। और भाई सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, अभी स्वेटर पे आज पहली बार स्वेटर पहन रहा है और अभी सफर में ठंड लगने वाली है। शशिकांत भाई भी हमारे साथ आ चुके हैं। हेलो। फिलहाल अभी आई थिंक 15-20 मिनट में बस आने वाली है, तो तब तक वेट करते हैं बस का। और फिर आई थिंक अहमदाबाद पहुँचने में भी 2.5 से 2 घंटे लगेंगे। खाली बस नहीं मिल रही यार। फाइनली अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अभी कुंदन अहमदाबाद पहले ही आ चुका है, तो वो कहाँ पे है वो अपनी लोकेशन भेज रहा है, हम पहले वहाँ पे चलते हैं। यार इतना शोर है ना यहाँ पे, चारों तरफ शोर बहुत है यार। सो अभी कुंदन यहाँ पे पहले ही आ चुका है, तो उसे पहले फ़ोन करके पूछते हैं कि कहाँ पे हमें जाना है और फिर हम वहाँ चलते हैं। भाई साहब क्या ट्रैफिक है यार। तो गाइस अहमदाबाद में जो मेट्रो, हम 8th क्लास में पढ़ते थे कि मेट्रो स्टार्ट होने वाली है अहमदाबाद में, वो एक्चुअली अभी स्टार्ट हो चुकी है, हम कॉलेज में आ चुके हैं। अभी चल रहा है बहुत, आज भी पिछली बार की तरह चल के ही जाना पड़ेगा, इस बार लो गार्डन जाना है। सो गाइस फाइनली आज इतना नहीं चलना पड़ा जितना पिछली बार चला था। पिछली बार तो हम पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ जाना है वो भी नहीं पता था, बस चले जा रहे थे। इस बार तो लो गार्डन जाना है, पहुँचने ही वाले थोड़ा ही अभी। वहाँ से मैं स्वेटर पहन के आया था अहमदाबाद, आके गर्मी लगने लगी भाई फुल। यहाँ पे स्वेटर वेटर की जरूरत पड़ती नहीं है आपको। गाइस इस सर्कल का जादू दिखाता हूँ आपको, ये देखो बिना सहारे के, ये वही ट्रिक है जो हम नवरात्रि में गब्बर बनाते तब यूज करते हैं, वही वाला है। फाइनली हम तो पहुंच चुके हैं लो गार्डन में। अभी कुंदन कहाँ पे है कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं। फोन करो उसको, यहाँ पे सभी भी जॉगिंग वॉगिंग करने हैं, सभी बुजुर्ग लोग ज्यादा है यार। काफी अच्छा गार्डन बना हुआ है पूरा, अगर मॉर्निंग में यहाँ पे आके बैठ जाओ, शांत मौसम, एकदम अच्छा एटमोस्फियर मिल जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए भी। ऐसी चीज होनी चाहिए यार गाँव में, ऐसी चीज आ जाए तो और मजा आ जाए। पे भाई सभी लोग है, बुजुर्ग लोग भी है, बच्चे भी है, बड़े बच्चे कॉलेज के बच्चे भी है, हमारे पूर्वज लोग भी है। हमारे पूर्वज भी यहाँ पे काफी है यार, ये देखो यहाँ पे पूरी गैंग बैठी हुई है इनकी पूर्वजों की। और ये हमारे कुछ विकसित मानव यहाँ पे इनकी गैंग बैठी हुई है, ये हमारे पूर्वजों की गैंग बैठी हुई है। काफी अच्छी जगह है यार, मजा आ गया यार। ये देखो हेलो, सब्सक्राइब टू आरजे मोहित। हेलो गाइज, हमें अगर यहाँ पे नए लोग भी मिल चुके हैं, गाइज प्लीज सब्सक्राइब आरजे मोहित ब्लॉग। आप हमारे ब्लॉग में आ रहे हो तो आप देख लेना भाई, भाव भी नहीं दे रहे यार ये। काफ़ी अच्छी लोकेशन है यार, और अभी आगे आने वाले ब्लॉग में ही मजा आएगा और आगे कुछ क्रेजी आने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। हम लो गार्डन में आके घूम लिए पूरा सारा, देख लिया। कुंदन अभी आ रहा है, वो अहमदाबाद में ही था, वो अभी आ रहा है बोलो। हम वहाँ ब्राह्मण वाला से यहाँ तक 100 किलोमीटर तक उससे पहले पहुँच गए, और अभी वो वहाँ पे है उस जादुई नल के पास है। जादुई नल, उस नल का राज आपको पता है क्या? कमेंट में बताना, पहले कमेंट में जरूर बताना वो नल कैसे कैसे है, क्या है उसके उसके पीछे की सच्चाई। वाह यार ये कुंदन भी अलग करता है, हमें बाहर बुला के खुद अंदर पहुँच गया, गजब बेइज्जती है यार हमारी। तो हमें एक तो अंदर से बाहर आए, अभी वापिस अंदर जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब हमसे पहले आने वाले हमसे लेट आ रहा है भाई, तू अहमदाबाद में था इतना लेट हो गया। चलो चलो कहाँ पे जाना है अभी ये तो बताओ, सामने। सो गाइस फाइनली अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ पे टीम बन रही है और देखते हैं क्या होता है। ये हमारी स्क्रिप्ट आ चुकी है, अभी हम रेडी हो रहे हैं फिर, लेकिन अभी भी हमारी टीम नहीं बनी। अरे बन जाएगी, बन जाएगी, बहुत बड़ी बात है, इस बार बन जाएगी, इस बार टीम बन जाएगी। बनेगी क्यों नहीं बनेगी, इस बार सामान पैक करके आए हैं तो। सो गाइस फाइनली स्क्रिप्ट भी रेडी हो चुकी है, हमारी स्क्रिप्ट पहले से रेडी थी। पिछली बार हम आए थे तब आपको भी बताया, हमें टीम की वजह से हमें वापस जाना पड़ा था, लेकिन इस बार आई थिंक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और हमारा एक्ट भी आई थिंक रेडी है, 99% रेडी है प्रॉपर। तो बस अभी लगे हुए हैं स्क्रिप्ट रेडी करने में, काफी 2-3 टीम और है, अभी और टीम आ रही है। सो गाइस अभी ये लॉ गार्डन बंद हो रहा है, 12 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो अभी यहाँ से बीच में बोल रहे हैं भाई।
क्या बोला है? टाइम जो सो लॉ गार्डन अभी बंद हो रहा है, आई थिंक 12 बजे बंद हो जाता है, तो अभी यहाँ पे सब खाली हो चुका है, अभी हमारे अलावा कोई नहीं है, तो अभी दूसरे एरिया पे चल जहाँ हम पहले गए थे ऑडिशन के लिए, उसी जगह पे जाना है। इसको भी ले लो एक्टिंग में, हमारे 3-2 लोग कम है, इनको ले लो। अच्छा कुंदन, तुम्हारी फेवरेट चीज चल के जाना है, तुम्हें शौक है चलने का, चलो अभी चल के। सो फाइनली बैक अवर पुरानी लोकेशन, अभी इंग्लिश नहीं, ये ड्रामा स्कूल है, यहाँ पे एक्टिंग का आई थिंक कोर्स होता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने एक मैम से बात की तो उन्होंने बताया था यहाँ पे होता है, लेकिन वो कभी कभी होता है। फिलहाल इस रूम के अंदर ही वापस आ गए, अभी आज सिलेक्शन होना चाहिए, आज कैसे भी करके जाएंगे, सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। सो अभी रिहर्सल चल रहा है यहाँ पे, ये एक टीम रेडी है, हमारी टीम अभी तक रेडी नहीं है। सो गाइस फिलहाल अभी 3:30 बज चुके हैं और हम अभी तक यहाँ पे, अभी पता नहीं आज जाएंगे कब जाएंगे, भूख बहुत लग रही है यार, और ये हमारी टीम में ये, लेकिन हमें अभी भी एक लड़का भी, लड़के भी आ चुके हैं, लड़के एक्स्ट्रा आ चुके हैं, लेकिन एक लड़की कम पड़ रही है, और आई थिंक हो तो जाएगा, आई थिंक अभी आए हैं तो वापस तो नहीं जाने वाले। अभी यार बहुत भूख लग रही है, कब से रिहर्सल कर रहे हैं और सुबह से आए तब से अभी तक तो कुछ भी नहीं खाया, और यहाँ पे ये भाई साहब बैठे, और ब्रो क्या चल रहा है? मैं इधर से नहीं जाने अभी, फालतू में फोन जाएगा। ओके क्या बोलते पब्लिक, सब्सक्राइब किया क्या चैनल को? भाई यार भूख लग रही है, और अभी यहाँ पे नाश्ते की कोई दुकान भी नहीं है, बहुत भूख लग रही है भाई, कब से रिहर्सल कर रहे कुछ भी नहीं खाया है, भाई एक दुकान नहीं मिल रही नाश्ते के लिए, कब से घूम रहे हैं, अभी पता नहीं क्या मिलेगा। सो भाई चलो पफ मिल गए अभी यहाँ पे, और अभी कुंदन का कॉल भी आ चुका है कि जल्दी आओ रिहर्सल करना है फिर से। सो भाई चलो फाइनली ये भी रेडी हो चुका है, अभी फटाफट लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, वहाँ से कुंदन का बार बार कॉल आ रहा है कि जल्दी पहुँचो जल्दी पहुँचो, भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सुबह से यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, लेकिन इसमें मज़ा आता है, ये चीज़ जो पसंद है वो करते रहते हैं ना, तो फिर मज़ा आता है, अलग ही फील आ रही है, लेकिन वो एक्टर वाली वाइब, स्ट्रगलिंग एक्टर वाली वाइब होती है ना वो आ रही है, लेकिन चलो अच्छा है मज़ा आ रहा है। सो अभी फाइनली हमारा एक्ट आने वाला है, यहाँ पे छोटे बच्चों की स्कूल है एक्चुअली, चलो हमारा नंबर आने वाला है, हमें एक्ट करना है अभी सर के सामने। सो गाइस फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, एक्ट वैक्ट सब रेडी है, अभी सुबह निकलना है 5 बजे, और भाई एकदम रेडी अभी फुल, हाँ एकदम रेडी, एकदम रेडी, कॉन्फिडेंट, सुबह 5 बजे निकलना है, अभी रात को कहाँ पे रहना है वो सर ने कुछ बताया है, नरोड़ा जाना है ना, 4 बजे 4 बजे निकलना है, तब तक के लिए यहाँ पे नरोड़ा कहीं स्टे करेंगे। भाई घर पे जा रहे हो? अच्छा हेलो हार्दिक पंड्या जी, आप घर पे? हाँ घर पे जा रहे हैं। ठीक है भाई मिलते हैं कल सुबह 4 बजे नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए, लेट्स। अब दिख रहा है तेरी शक्ल दिख रही है, ठीक है हार्दिक भाई सुबह मिलते हैं। ठीक है भाई, ये कौन सी गाड़ी है यार, इस गाड़ी का नाम ही नहीं पता, ये एक्चुअल में मॉडिफाई किया कराई हुई गाड़ी लगती है मेरे को, ये कौन सी गाड़ी है? ये टायर पंचर गाड़ी है, जिसने 2 दिन से सही से खाना भी नहीं खाया भाई, अभी खाना खाने कहाँ जाना है, भूख लग रही है बहुत बुरी तरह, भंगार है पूरी, भंगार गाड़ी है। ये क्या कर रहे हो रस्ते में भाई? ये मेरा भाई, ये मेरा बच गया फोन, अभी बोल भाई है मेरा। तो पहले यहाँ से पालड़ी जाना है, तो पालड़ी के लिए यहाँ पे वेट करते हैं, रिक्शा या बस जो आती है उसमें पालड़ी जाना है पहले, फिर पालड़ी से जाना है नरोड़ा, इधर हम एक बस में चढ़े और फिर वापस उतर गए, पहले क्या चढ़ जाओ, और फिर वो बस वहाँ पे नहीं जा रही थी, वो जा रही थी कृष्णा नगर, तो भाई उल्टी बस में चढ़ गए, फिर इन्होंने कहा, मैंने कहा यार क्यों चढ़ रहे हो फालतू बस में, फिर अभी यहाँ से उतरे, और यहाँ का लोकेशन काफी अच्छा है भाई, भाई ये नाइट व्यू देखो यार कितना अच्छा आ रहा है, सामने मस्त मॉल है भाई, काफी अच्छा लग रहा है यार, ट्रैफिक है लेकिन लाइटिंग की वजह से काफी अच्छा लग रहा है ये एरिया, ये ओहो हो ब्रदर हो, कहाँ जाना है फोटो खींच रहे हो? अभी मुझे नहीं पता, कसम से बता रहा हूँ। शशिकांत भाई आप बताओ यार, डिटेल में बताओ नहीं, पहले पहुँचाओ कौन सी जगह पे जाना है पहले, ये आपको सही सलामत रूम पे पहुँचा दूंगा बस। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना अलग ही मस्ती में लगा हुआ है बंदा।